प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फतेहाबाद से। आपको बता दें कि फतेहाबाद में किसानों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है और प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि किसानों ने यहां पर प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन पर नजरअंदाजी का आरोप लगाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो फतेहाबाद से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि फतेहाबाद में किसानों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है और राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार और प्रशासन पर नजरअंदाजी करने का आरोप लगाया है और एमएसपी की मांग को लेकर फतेहाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया गया है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फतेहाबाद से। आपको बता दें कि फतेहाबाद में किसानों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है और प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि किसानों ने यहां पर प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन पर नजरअंदाजी का आरोप लगाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो फतेहाबाद से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि फतेहाबाद में किसानों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है और राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार और प्रशासन पर नजरअंदाजी करने का आरोप लगाया है और एमएसपी की मांग को लेकर फतेहाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया गया है। ज्यादा से ज्यादा करवा लेंगे। पहले अपने संगठनों के जो अपने प्रधान है, सेक्रेटरी है, उनसे तो करवाई करवा लो। और की सारा दे करा ले। तीनों अलग अलग तीनों एक तो साथियों अपने अलग अलग संगठनों से आज के इस रोष प्रदर्शन में पहुंचे हैं। पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। संयुक्त मोर्चा हमारा जो बना हुआ है फतेहाबाद का, उसकी ओर से आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम रहा आज का आपका? आज का कार्यक्रम जो ये पीछे 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पे जो आंदोलन चला है किसान आंदोलन जी, उसी की कड़ी में जो सरकार ने एक वादा किया था जी, एमएसपी गारंटी लेकिन खीरी वाला जो कांड है वो कई तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई थी कि आप इन मांगों को, उन्होंने कहा था कि हम आपकी मांगें पूरी करेंगे और हमारे साथ वादा किया था ये आंदोलन ख़त्म करने के लिए। तो उसी कड़ी के अंदर हमारी जो मांगे हैं वैसे की वैसे पड़ी है। उसी कड़ी में एक स्कूल मोर्चे की कॉल है कि हर जिला तहसील लेवल पर वादा खिलाफी के तहत जो आज 21 तारीख का प्रोग्राम है वो हम डीसी साहब के रोष प्रदर्शन डीसी साहब के मध्य से राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र दे रहे हैं। वो हर पूरे देश के अंदर आज ये वादा खिलाफी का मांग पत्र दिया जा रहा है। तो आज किस संगठन की तरफ से किया गया जी कार्यक्रम? ये स्कूंत मोर्चा फतेहाबाद, स्कूंत मोर्चा फतेहाबाद से सारे संगठन इकट्ठे होके स्कूंत मोर्चा फतेहाबाद की तरफ से ये किया गया। आज ये तहसील लेवल पे किया गया, जिला लेवल पे कार्यक्रम किया गया? तहसील लेवल पे है, जिला लेवल पे भी है। कहीं को जा सकता वहीं अपने को तहसील के पास जा सकता है वो तहसील के पास जाएगा, जो जिले का नजदीक है वो जिले वाला जिले के लेवल पे जाएगा। कोई विशेष मुद्दा जी, कोई विशेष जो मुख्य मांगे आपकी थी? मांग मुख्य मांग एक तो हमारी वो एमएसपी गारंटी वाली वो वैसे की वैसे पड़ी है जी। एक उसके अंदर ये नए नए कानून जैसे भाखड़ा मैनेजमेंट में हरियाणा और पंजाब का हिस्सा वाली वो बात चल रही है, ये है। एक लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसान को एक गाड़ी के नीचे दे के कुचला गया था, उसका जो दोषी है उसको जमानत मिल चुकी है और वो उसका पिताजी है वो सरकार के अंदर मंत्री बना हुआ है, उसको बर्खास्त किया जाए। ये हमारी तमाम मांगे जो है जायज मांगे हैं, कोई नजायज मांगे नहीं है। अभी तक एमएसपी तो मिली नहीं जी किसी? एमएसपी की वही तो, यही तो वादा खिलाफी है ना। एमएसपी की इन्होंने एक कमेटी बनाने की, गठित करने की वो कही थी बात, तो अभी वैसे की वैसे पड़ी है। उसके बाद में कोई इन्होंने आश्वासन नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं हुई, तो इसी को लेके अभी सारे संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। पीछे थोड़े दिन के अंदर एक वहाँ चंडीगढ़ में मीटिंग हो रही है किसानों की, तो ये आंदोलन हो सकता है दोबारा स्टैंड भी हो सकता है। कुल 700 आज का क्या कार्यक्रम था? आज संयुक्त किसान मोर्चा के पूरे देश के अंदर एक रोष प्रदर्शन है। उसी रोष प्रदर्शन की कड़ी में आज फतेहाबाद जिले के अंदर
संयुक्त किसान मोर्चे का एक रोष प्रदर्शन और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति जी के नाम है एक ज्ञापन डीसी साहब को देना है। उसके अंदर है, सरकार ने जब मोर्चे को किसान मोर्चे को दिल्ली से उठाया था ये वादा करके कि लखीमपुर के जो आरोपी है वो उस अंदर होंगे, उनकी जांच सही होगी, किसानों की एमएसपी उसके ऊपर किसान और देश के अलग अलग जो कृषि विशेषज्ञ है सरकार के लोग हैं उनकी एक कमेटी बनेगी, जो शहीद किसान हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनकी याद में एक स्मारक बनेगा और जो पूरे देश के अंदर कहीं भी किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे सरकार के द्वारा वापस लिया जाएंगे। वो सारी बातों के ऊपर वहाँ से किसान सरकार के ऊपर विश्वास करके वहाँ से उठ के घरों को लौट के आए थे, लेकिन अब 3 महीने बीतने के बाद में उनके ऊपर कोई कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही है, केस वापस नहीं लिए जा रहे हैं, मुआवजे का कोई वो नहीं है। और जो लखीमपुर के अंदर कांड हुआ उसके अंदर अजय मिश्रा जो टैनी है उसका लड़का जो है वो तो जेल से बाहर हो गया और किसान जो है उनको अंदर डाला जा रहा है, तो उनके खिलाफ में ये आज है वादा खिलाफी के रूप में रोष प्रदर्शन करते हुए किसान साथी यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन देने आए हैं यार फिर? हाँ जी, आज ज्ञापन देने के लिए अलग अलग किसान संगठन है जिसके अंदर संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम जो घटक संगठन है या फतेहवाद के जिसके अंदर किसान संघर्ष समिति है, किसान सभा है, किसान यूनियन चडूनी है, खेती बचाओ है, सभी तमाम संगठन और अन्य किसान चिंतक लोग भी इसके अंदर आज शामिल है। तो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है? हाँ जी, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, एक राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, जो हरियाणा से संबंधित मुद्दे हैं, क्षतिपूर्ति कानून विधेयक है हरियाणा के अंदर, जो भूमि अधिग्रहण विधेयक है उसको चेंज कर दिया गया है, और ये जो है डैम भाखड़ा डैम उसके अंदर पंजाब और हरियाणा की नुमाइंदगी खत्म कर दी गई है, उसके ऊपर भी ज्ञापन दिया जा रहा है।